नाज़रीन वेलकम टू स्टूडियो वन, और मैं हूं अरशद महमूद। स्टूडियो वन में हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसी शख्सियत को लाया जाए जिनसे हम बैठ के कुछ बात कर सकें। और कभी ऐसा होता है कि कुछ बहस शुरू हो जाती है, कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ बातों में इत्तफाक होता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हम आपके पास लाने की कोशिश करते हैं जो कि मुआशरे के लिए ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर लोग बात नहीं कर पाते, और हम चाहते हैं कि स्टूडियो वन में उनको उन पर बात कर सकें, उन पर बहस कर सकें, ताकि आप तक दोनों साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचाया जा सके। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसी शख्सियात और ऐसे नज़रिए या ऐसे वाक़यात के बारे में हम बात कर सकें जिन पर सबका इत्तफाक हो। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें मौका मिला उस शख्स के बारे में बात करने का। एक हमा जहद शख्सियत, एक आर्टिस्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल था मुआशरे को एक जगह पे इकट्ठा लाने के लिए, मुआशरे की अकदार को उजागर करने के लिए, और जो हमारी सोसाइटी में जो हमारे मज़हब की जो एक बहुत पुरानी ट्रेडिशन चलती आ रही थी कैलीग्राफी की, उसमें उसने बहुत काम किया, दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। आज वो शख्स हम में नहीं है, और ये प्रोग्राम भी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी बरसी के सिलसिले में ही किया जा रहा है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास आज बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं उनका उस शख्स की ज़िंदगी में किसी ना किसी तरीके से बहुत गहरा ताल्लुक रहा। हम बात करने जा रहे हैं हमारे मशहूर ज़माना पाकिस्तानी आर्टिस्ट, मुसव्विर, खत्तात गुलजी के बारे में। गुलजी आज हम में नहीं है, लेकिन गुलजी के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि मशहूर ज़माना खत्तात और मुसव्विर तो वो थे ही, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पे पब्लिक के इल्म में नहीं होती। उनमें से कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, दो मरतबे उन्हें पाकिस्तान में सितारा इम्तियाज़ मिला, और हिलाले इम्तियाज़ भी तो चार अदद पाकिस्तान से वो साइटेशंस उन्हें हासिल हुई। ही वाज़ बॉर्न इन पेशावर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम पाई, और जहाँ भी गए, बाद में वो हार्वर्ड गए, बाद में वो गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका में, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए, एक रिकॉर्ड उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उनके आर्ट के बारे में, उनके फ़न के बारे में, उनके रख रखाव, उनके मेल मिलाप के बारे में बात करेंगे। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमें मौजूद हैं गुलजी के छोटे भाई, और मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूँ ब्रेक पे जाने से पहले। हमारे साथ अंकल नूरी बैठे हैं। अंकल नूरी गुलजी से तकरीबन कितने बरस छोटे हैं? उस बात को छोड़ दे डेकेड्स के हिसाब से। तो अंकल नूरी उनके छोटे भाई हैं। हमारे साथ बैठी हैं आसमा अरशद महमूद, जो कि बहुत जानी पहचानी सोशल एक्टिविस्ट और आर्टिस्ट हैं मिसिसागा की और जीटीए की। और हमारे साथ बैठे हैं अली आदिल खान, जो कि ओनर हैं और क्यूरेटर हैं और बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे साउथ एशियन आर्ट में, और साउथ एशियन गैलरी ऑफ आर्ट ओकविल के फाउंडर, ओनर और क्यूरेटर हैं। देखते रहिएगा स्टूडियो वन, कहीं मत जाइएगा। हम हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और बात करेंगे गुलजी के बारे में।